हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और स्वागत है आपका हमारी वीडियो में। तो आज की जो वीडियो है, आज है 15 अगस्त, तो ये है मेरा सेकंड व्लॉग। तो आज की जो वीडियो है हमारी है 15 अगस्त की वीडियो। तो कुछ भारत स्वाभिमान ट्रस्ट द्वारा कुछ आयोजित ध्वजारोहण का प्रोग्राम है, तो आज चलने वाले हैं हम वहाँ। और 15 अगस्त की सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ और बस मिलते हैं वहाँ पर और करते हैं 2000 रोन के, देखते हैं वहाँ क्या क्या तैयारी हुई है। वैसे कोरोना की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए क्या क्या प्रोग्राम की तैयारी की गई है, बस देखते हैं वहाँ चल के, मिलते हैं और करते हैं अपना नेक्स्ट व्लॉग। सेकंड व्लॉग है जो मेरा, वो आई होप के पसंद आएगा आपको। और फिर देखते हैं किस तरीके का वहाँ पर प्रोग्राम हो रहा है और चलिए बस मिलते हैं। एक एक निवासी को दोनों टीम की तरफ से वंदन। इतने हमारे मुख्य अतिथि आए इस समय का सदुपयोग करने के लिए, बहन प्रवीण जी के आदेश से कोई अपना मधुर सा गीत, राष्ट्रगीत पेश करने की इच्छा रखती हैं। बहन का मंच पर स्वागत है, आए। गीता अरोड़ा जी का मंच पर स्वागत है, आए और अपना सुंदर सा राष्ट्रभक्ति का गीत। जय हिंद, जय भारत। आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं एक देशभक्ति गीत प्रस्तुत करना चाहूंगी। उससे पहले कुछ थोड़ी सी लाइनें हैं जिनमें आपको चुटकियों के साथ अपना साथ देना है। जब धीरो दिया मेरे भारत ने, भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई। जब धीरो दिया मेरे भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई। तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता ना दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था, यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी अंदाजा लगाना मुश्किल था, अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहाँ पहले आई, पहले जन्मी है जहाँ पे कला। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला, संसार चला और आगे बढ़ा। यूं आगे बढ़ा बढ़ता ही गया, भगवान करे और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले। जिसे मान चुकी सारी दुनिया, जिसे मान इतनी ममता, नदियों को भी जहाँ माता कह के बुलाते हैं। इतना आदर इंसान तो क्या, इतना आदर इंसान तो क्या, पत्थर भी पूजे जाते हैं। इस धरती पे मैंने
जन्म लिया, इस धरती पे मैंने जन्म लिया, ये सोच के मैं इतराती हूँ। भारत की रहने वाली हूँ, भारत की बात सुनाती हूँ। हो 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 हो, जय हिंद जय भारत। हरिओम। कितना सुंदर हमारी टीम की बहुत ही आदरणीय बहन ने एक राष्ट्रगीत प्रस्तुत किया। इसी बीच हमारे बीच में परम आदरणीय बहन जी मंजू जी हमारे बीच हैं, उनका हम हृदय से दोनों टीम की तरफ से स्वागत करते हैं। आप आए और अपना स्थान ग्रहण करें। बहन जी का हम हृदय से हमेशा बहुत आभार इस रूप में करते हैं कि हमेशा समय की बड़ी पाबंद आप रही हैं, और हमारे किसी प्रोग्राम में भी आपने ऐसा नहीं कि अपनी उपस्थिति ना दर्ज कराई हो, और ये तो हम सब के लिए बड़ा गौरवान्वित करने वाला दिन है। इस दिन तो हर राष्ट्रभक्त को देश के किसी भी स्थान पर यदि ये पर्व मनाया जा रहा है वहाँ उपस्थित होना ही चाहिए और होंगे। हमारे बीच में खुराना जी बैठे हैं, आपका हृदय से स्वागत करते हुए दोनों संगठन की तरफ से आप आएँ और अपना स्थान ग्रहण करें। प्रवीण जी भाई जी को स्थान ग्रहण कराएँ। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि समय की बड़ी पाबंदी है, बहन जी का भी बड़ा व्यस्त प्रोग्राम रहता है आज के दिन। जिस संस्कृति में हम पले बड़े हैं आरंभ हमारा उसी से होगा। सचिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। वासुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। जगत के गुरु जो भगवान कृष्ण होकर के पूजे जाते रहे, कुछ चाहता था ही आज उन पर भी उंगली उठा रहे हैं। हम ये पर्व हमेशा मैं बचपन से देखता आया, आए एक दो गाना गाया, मिठाई बांटी और खुशी मनाई। दो पहलू हैं इस हमारे 15 अगस्त के बारे में। खुशी तो हमें निश्चित रूप से है, क्योंकि हम उन जंजीरों से मुक्त हुए जिनमें हम जकड़े हुए थे पिछले 200-250 सालों से। लेकिन कभी हमने ये चिंतन जरूर किया होगा, क्या सन 47 के बाद हम मुक्त हुए? शायद अंदर से यदि पवित्र आत्मा की आवाज़ आएगी तो निश्चित ही आवाज़ आएगी, नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? जिन सत्ता के लोलुप लोगों ने उनकी चाटुकारिता की, उन्हीं के नाम के यहां पर गुणगान किए गए, और जिन्होंने अपने परिवार से निकल करके बलि की, उस वेदी पर चढ़ करके अपने प्राणों की आहुति दे दी, उनका तो लेश मात्र कहीं कहीं नाम आया, और बाकी यश लेने वाले सीटों पर भी बैठ गए और सत्ता का भोग भी किया। जैसे कि ये प्रोग्राम होते हैं, हो सकता है मैं गलत हूँ, क्यों नहीं किसी स्वतंत्रता सेनानी को हर प्रोग्राम के बीच में हम आमंत्रित करें, उनका स्वागत करें, और जिस पैसे से हम मिठाई अन्य कोई चीज़ें, भले ही हमारे पास धन का अभाव हो, लेकिन उनको हम एक सुंदर सा कोई उपहार इस तरह का जो हमारे और उनके दिल में वो उपहार बसता चला जाए। यदि आप इस चीज़ से सहमत हैं तो आगे आने वाला प्रोग्राम ऐसा ही होना चाहिए। आप सहमत हो तो जरा ताली से, क्योंकि ये मिठाई बांटना ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन क्या आज भी उस सनातन संस्कृति पर आक्रमण नहीं हो रहे?
निश्चित रूप से हो रहे हैं। राम मंदिर की बात आती है तो एक वर्ग उठ करके खड़ा हो जाता है, वो ही आताताई जिन्होंने इस शासन को हमेशा भोगा, 70 साल तक राम का विरोध करने में उनके 16-16 वकील खड़े हो जाते थे कोर्ट के अंदर जा करके, और अब नाटक करते हैं जनेऊ डाल करके। ये हिंदुत्व को, इस सनातन को कुचलने का कुत्सित प्रयास किया उन्होंने 70 सालों के अंदर। हर 15 अगस्त पर आकर के, 26 जनवरी का आकर के नाटक कर देते हैं और कहते हैं कि हम तो बड़े राष्ट्रभक्त हैं। राष्ट्रभक्त थे तो उनमें से एक भी आज तक गोली का शिकार क्यों नहीं हुआ? काले पानी की सजा इनमें से किसी एक को भी क्यों नहीं हुई? अपने पूर्वज को बता दे कोई भी एक काले पानी गया हो जो आज ये हुंकार भरते हैं कि हमने बड़ी राष्ट्रभक्ति की है। माल मारे हैं माल, अब जब ये कहा जाता है तो उन्हें दिक्कत होती है। तो ये संगठन तो हमेशा से उन राष्ट्रभक्तों के लिए, और आज भी जो राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत है, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी दल में हो, उसका हृदय से स्वागत करता है। और देशद्रोह का कोई कार्य करता है, चाहे वो किसी भी दल में हो, उसका ये संगठन बिल्कुल विरोध करेगा। तो एक थोड़े से मेरे उद्गार थे, कहीं मेरे से कोई भूल आवेश में कोई ऐसे शब्द निकल गए होंगे तो मैं हृदय से सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब बुलाओ किसी को, जो मंच को बुला रहे हो। हमारे बीच महेश रायल जी, रोहित अग्रवाल जी, और सबका नाम तो लेना संभव नहीं है, जो भी यहाँ पर उपस्थित हैं, नवीन जायसवाल जी और प्रवीण जी, जरा एक मेरा हेल्प करें। सर, संदीप मित्तल जी, जो भी अपने सब लोग आए हैं, आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, और बाकी आप स्वागत के लिए आप सभी उपस्थित राष्ट्रभक्तों का ये मंच हृदय से स्वागत करता है। बहन जी के स्वागत के लिए महिलाओं की हमारी जो पूरी टीम है आए, और पटके से सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए 2 लाइन बना लें, आगे पीछे करके 3 बना लें। देव